लक्ष्मणगढ़ की घनी बस्ती के पश्चिमी छोर पर मध्यम ऊंचाई की पहाड़ी पर बना यह दुर्ग सारे कस्बे से नजर आता है। दुर्ग की सीधी खड़ी इमारत बहुत प्रभावशाली है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत में यह किला अपने वास्तु विज्ञान और गोलाकार चट्टानों के विशाल खंडों पर बना होने के कारण बहुत प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शेखावत आज आपको दिखाने जा रहा हूँ लक्ष्मणगढ़ का ऐतिहासिक किला। बहुत ही सुंदर ये किला है, एक मध्यम ऊंचाई की पहाड़ी पर बना हुआ है और गोलाकार बड़ी बड़ी चट्टाने हैं उसके ऊपर बना हुआ है। और ये इसका देखिए रास्ता, हालांकि ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है लेकिन बहुत ही सुंदर और अपनी वास्तुकला के लिए ये किला है, ये प्रसिद्ध है। तो वीडियो पर आप बने रहिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखिए मोटी मोटी गोलाकार चट्टानें और इन्हीं चट्टानों पर इसे दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। बहुत ही ऐतिहासिक ये किला है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के सीकर ज़िले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में स्थित है। लक्ष्मणगढ़ है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर सीकर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित एक कस्बा है और इस कस्बे में सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा ये बनवाया गया किला है जो कि लक्ष्मणगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये देश की ऊंची ऊंची दीवारें, सीधी खड़ी दीवारें और जो चट्टाने हैं वो भी बीच बीच में यहाँ दिखाई दे रही हैं बुर्ज के। ये इसका मुख्य दरवाज़ा है यहाँ से, तो चलिए मुख्य दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर का दृश्य इसमें देखते हैं अपन। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर अंदर और यहाँ चट्टानों के बीच में ये रास्ता बना हुआ है दुर्ग के ऊपर जाने के लिए। सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह ने सीकर की प्रजा की रक्षा के लिए लक्ष्मणगढ़ की पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये देखिए सीढ़ियों का रास्ता। और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के अन्य दुर्गों में सबसे नया किला माना जाता है, सबसे नया दुर्ग है ये देखिए। और ऊंची खड़ी दीवारें हैं इसकी बुर्जों की और इस साइड में एक मंदिर बना हुआ है जो कि हमेशा आम लोगों के लिए खुला रहता है। तो चलिए मैं मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं। और इधर ये मंदिर है और इसमें शायद ताला लगा हुआ है इधर अंदर, हो सकता है सुबह शाम इस मंदिर को खोला जाता हो। तो देखिए थोड़ा सा मंदिर के अंदर का दृश्य आप, हालांकि इसमें अभी ताला लगा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से यह किला बहुत विशेष स्थान रखता है और इस साइड में भी जो दरवाज़ा है उस पे ताला लगा हुआ है। और दोस्तों वो बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में ये खूबसूरत किला है ये दुर्भाग्यवश सीकर के एक व्यवसायी की निजी संपत्ति है और इसलिए इसे आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। अंदर के जो भाग हैं वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इसमें जो दरवाजे हैं अंदर उस पे ताला लगा हुआ है और मंदिर तक ही यहाँ पे जा सकते हैं। हालांकि पूरी तरीके से रास्ता बंद नहीं हुआ है, दुर्ग के मुख्य द्वार के बाहर से रास्ता एक मंदिर तक ही यहाँ पे आता है और ये मंदिर आम जनता के लिए खुला हुआ है। और नीचे की तरफ एक और साइड में भैरव मंदिर है, किले के पास में है जस्ट नीचे की साइड में। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है वो एक श्रेष्ठ राजसी आवास होने के साथ साथ यहाँ स्थित प्रसिद्ध घंटाघर, बहुत सी प्राचीन हवेलियों, दीवार पर अंकित किए हुए चित्र और छतरियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ऊंचाई पर बने हुए इस मंदिर से लक्ष्मणगढ़ का दृश्य देखा जा सकता है। मार्ग के ठीक नीचे लक्ष्मणगढ़ की प्रसिद्ध चार चौक की हवेली है, उसका भी दृश्य देख सकते हैं। ये देखिए हवेली दूर से दिखाई दे रही है और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है सीकर ज़िला। और ये हवेली खास है अपनी बनावट और स्थापत्य और भित्ति चित्रों के कारण आकर्षण का केंद्र, इस हवेली के दर्शन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।